अरे ये तो मालती आ रही है, इसी से पढ़वाती हूँ। अरे मालती जरा सुनो, आपने मुझे बुलाया है, बताइए क्या काम है? क्या तुम पढ़कर बता सकती हो इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ जरूर, मैंने पूरी एक कक्षा तक पढ़ा है, अभी बताती हूँ इसमें क्या लिखा है। अरे ये कहाँ से मेरे माथे पड़ गई। लीजिए इसमें अक्षर बहुत छोटे लिखे हैं, मैं अभी अपना चश्मा लेके आती हूँ। ठीक है। कितनी देर हो गई अभी तक नहीं आई, चश्मा लेने गई है या मोतियाँ उतारने? लगता है किसी और से पढ़वाना पड़ेगा। अरे ये तो भाई जी लगते हैं, इन्हीं से पढ़वाती हूँ। अरे भाई जी जरा सुनिए तो। हाँ बोलिए बहन। क्या आप पढ़कर बता सकते हैं इसमें क्या लिखा है? अच्छा पढ़ना है, लाइए लाइए, हमें स्कूल में बार बार पढ़ने के लिए खड़ा कर देते थे, अभी पढ़कर बताता हूँ। इसमें लिखा है, लीजिए पकड़िए, मेरे पास कहाँ मेरा फोन भी आ रहा है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, लगता है किसी और से पढ़वाना पड़ेगा। अरे भाई आप कब आए? मिलने का मन हुआ तो आए। आइए आइए बैठिए। भाई मैं एक परेशानी में हूँ। बता मुझे क्या बात है? इस तार में ना जाने क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? लिखा है, अरे ये तो अंग्रेजी में लिखा हो, तुझे पता मुझे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, पर जो भी लिखा है बड़ी बुरी खबर है। बुरी खबर? कैसी बुरी खबर? अब तो लगता है डाकिया बाबू आकर ही बताएंगे क्या लिखा है इसमें। माँ मैं आ गई, माँ माँ मैं आ गई। अरे तू कब आई? माँ कहा तो अभी आई। जा बाथरूम में कपड़े पड़े हैं उन्हें धुल कर आ। माँ माँ परेशान क्यों लग रहे हो? तुझसे जितना कहा है उतना कर। माँ बताओ तो क्या हुआ? जानना है ना तुझे तो ले सुन। सुबह से यह तार आया है लेकिन मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है। माँ माँ मुझे बताओ, मुझे पढ़ना आता है। ठीक है जरा पढ़ के बता क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है कि नाना जी, हाय राम नाना जी चल बसे। इसमें लिखा है ये तार नानी जी की तरफ से आया है, हे राम नानी जी भी चल बसी। आप सब जाइए यहाँ से। और वे कह रहे हैं कि वे सब यहाँ पर कुशल से हैं और हमें आशीर्वाद भेजा है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे हर वक्त कोसा है लेकिन आज मुझे पता लग गया पढ़ाई करना कितना जरूरी है। मैं तुझे अपनी तरह अनपढ़ नहीं रहने दूंगी और खूब पढ़ाऊंगी। हम सबकी है यही पुकार, शिक्षा हो सबका अधिकार। हम सबकी है यही पुकार, शिक्षा हो सबका अधिकार। धन्यवाद।